जोहार, नमस्कार सर, सुनिए ना। नमस्कार सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए सर। ये मैं नहीं, बिहार का लाचार लाल अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि सर सुनिए ना, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, हमको हमारे गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सेंसेटिव मुद्दा है, इस पे विचार करना चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को। इसलिए सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहते हैं, रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है, वो हम बताए कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब वराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप सर दिए? क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ, एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम जी? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बरम तो नहीं बोल सकता, लेकिन दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हाँ, मैं अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के ले सकते। तो आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में ये वीडियो नालंदा का है। नालंदा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सभा कर रहे, तो वहीं पर एक बच्चा जो है उनके पास आता है और कहता है कि सर सुनिए ना सर, नमस्कार, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, हमारे गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमारे गार्जियन शराब दारू ताड़ी पीते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने उनकी बात को सुना, उसके बाद अपने जो उनके साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको उन्होंने कहा कि इनकी बात सुना जाए, उसके बाद वीडियो कट हो जाता है। उसके बाद बच्चा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कुछ मीडिया के लोग उसे पूछते हैं और वो बच्चा कहता है कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बच्चा कैसे पोल खोलता है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, इस छोटे से वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा कहता है कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, मास्टर साहब को भी इंग्लिश नहीं आता है। खुद बच्चा कहता है कि मास्टर है स्कूल में, उनको भी कुछ नहीं आता है। तो आप समझिए कि मास्टर साहब बच्चों को क्या ज्ञान देते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे। इस पे विचार करना पड़ेगा हमें और आप लोगों को, क्योंकि नेताओं को कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि जितने भी नेता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे शहर के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या तो फॉरेन में पढ़ते हैं। आपके हमारे गरीब के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई कैसी है आप जरा बताइए हमें। देखिए, मैं बार बार अपने रिपोर्ट में यही कहता हूं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब बहुत ही गरीब पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की। अगर बेहतर एजुकेशन ही नहीं लोगों को मिलेगा तो आप बताइए कि फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता समय समय पर जांच होनी चाहिए। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता जांच नहीं होगी तो वैसे कारनामे सामने आएंगे। आप हमारे रिपोर्ट में देखते होंगे कि जनवरी फरवरी लोगों को लिखने नहीं आ रहा है, स्वर और व्यंजन लोगों को मालूम नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखने नहीं आ रहा। ये बच्चों की बात नहीं कह रहा हूं, शिक्षक को नहीं आ रहा है, और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और ताज्जुब की बात यह है कि शिक्षा विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है,
नेता लोग एक्शन नहीं लेते हैं, बस चलता रहता है। बच्चा कह रहा है वीडियो में, सुनिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षा बढ़िया नहीं मिलती है। उस बच्चे का ऐसा कहना है क्योंकि बच्चा 1 से लेकर 6 तक पढ़ रहा है, तो उसको मालूम है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे है बिहार की सरकारी स्कूलों की। इसलिए गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री से, बिहार का लाचार लाल, कि हमको शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। वो बच्चा जानता है कि बेहतर शिक्षा मिलेगा तभी हम अपने कल को बदल सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकारी शिक्षकों पर मैं क्यों भड़क जाता हूं, इसीलिए भड़कता हूं क्योंकि जब उनको खुद ही नहीं आता है कुछ, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या ज्ञान देंगे। और शिक्षकों की गलती नहीं है इसमें, इसमें जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, नेता, उनकी गलती है कि ऐसे लोगों की जांच नहीं होती है, ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस सवाल ये उठता है, किसी भी राज्य की बात करें, चाहे बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे शिक्षा बजट बहुत ज़्यादा होता है। शिक्षा बजट इतना ज़्यादा होता है कि मतलब उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था देखिएगा आप, और सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देखिएगा, तो आसमान और ज़मीन का अंतर होगा। और बजट में एक अंतर बताते हैं, सरकारी स्कूल की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जो बजट होता है उसका 10% भी बजट हमको नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल में होता होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर सब कुछ एकदम चकाचक होता है, मस्त होता है, टीचर मस्त होते हैं, टीचर एकदम वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और सवाल ये उठता है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा भी प्राइवेट स्कूल हो, हमको नहीं लगता है कि किसी भी शिक्षक की सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपया होती होगी, 15 हज़ार से 40 हज़ार के बीच में सबकी सैलरी होती होगी। और सरकारी स्कूलों में 40 हज़ार से लेकर 1 लाख तक सैलरी होती है, लेकिन पढ़ाई में अंतर आप देखते हैं कितना होता है, आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। बच्चा कह रहा है कि मालूम है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर साहब को नहीं आता तो हमको क्या पढ़ाएंगे वो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना ज़्यादा शिक्षा पे जो बजट सरकार खर्च करती है वो बजट कहाँ जाता है, वो बजट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, या नेता लोग खा जाते हैं, या पदाधिकारी लोग खा जाते हैं, आखिर जाता कहाँ है कि सरकारी स्कूल का भवन गिर जाता है, टूट जाता है, चापाकल नहीं चलता है, शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पे हमें और आपको सोचना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य खतरे में है। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए इस वीडियो को देखकर। हम तो आवाज उठाते रहेंगे, हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी देखिए अपने एरिया में कि वहां के शिक्षक बराबर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। भौकाल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो हमारा मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।